जय सियाराम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के वाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ट से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महार रौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।